हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीजन? क्या आपने कभी मंदिर में वुडन की बेल्स देखी हैं? क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं कि हमेशा मेटल की ही बेल्स क्यों होती हैं? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. वो थिंग्स, वो चीज़ें जो मेटल की बनी होती हैं, जब उनको स्ट्रक तेज़ी से उनके ऊपर स्ट्रक किया जाता है, उनको बीट किया जाता है, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल. अब टू बॉक्स ले लीजिए अपीरेंस में सेम लगने वाले, एक होना चाहिए वुड का और एक होना चाहिए मेटल का. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? अब दोनों को आप स्ट्राइक करके देखिए. दोनों को जब आप स्ट्राइक करेंगे, आप देखना अपने घर में कोई भी स्टील का एक कोई बर्तन ले लीजिए, या फिर एक वुडन का कोई एक ऐसी हैंडल सा ले लीजिए, या फिर कोई वुडन की चीज़ ले लीजिए. दोनों को स्ट्राइक करके देखिए, क्या आपको सेम साउंड प्रोड्यूस होगा? सेम साउंड आपको सुनाई देगा. सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर कॉल्ड सोनोरस. आपको सेम साउंड नहीं सुनाई देगा, आपको मेटल में जो है एक रिंगिंग साउंड सुनाई देगा, जो कि आपको वुड में नहीं देगा. तो मेटल क्या होते हैं? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है सोनोरस. ठीक है, अभी तक आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली मेटल की. सबसे फर्स्ट आपने पढ़ी मेलिएबिलिटी, है ना, जिसमें थिन शीट्स में चेंज हो रहे थे. फिर आपने पढ़ी डक्टिलिटी, जिसमें वायर्स में चेंज किया जा रहा था. अब आपने पढ़ी सोनोरस प्रॉपर्टी, जो कि मेटल में प्रोड्यूस होती है रिंगिंग साउंड के थ्रू. द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस. जो मटेरियल मेटल से अलग होते हैं, मेटल से डिफरेंट होते हैं, वो सोनोरस नहीं होते हैं. आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको क्या पता चला? कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. द मटेरियल्स विच जनरली पजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स. जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो होंगे मेटल्स. द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा. इन कंट्रास्ट, इसके अपोजिट क्या होगा? मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीरेंस. जो मटेरियल कोल हो गया, सल्फर हो गया, ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं अपीरेंस में. उन वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई चमक नहीं होती. दे ब्रेक डाउन इन टू पाउडरी मास ऑन टैपिंग. अभी मैंने जैसे आपको करके दिखाया था ना, ग्रेफाइट लेड, जो मैं पेंसिल की लीड मैंने आपको करके दिखाई थी, तो वो क्या हुआ था? टैप करने पे पाउडरी मास में चेंज हो गई थी. नॉन सोनोरस होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स. मीन्स जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो होंगे मेटल्स, और जिनमें इनकी ऑपोजिट ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो होंगे नॉन मेटल्स. द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. देखिए, जैसे मेटल्स हो गए सोडियम और पोटेशियम, सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. नाइफ से भी कट हो जाते हैं, बट फिर भी वो क्या है? मेटल है. मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. मर्करी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे. मर्करी आपने उसमें भी देखा होगा, थर्मामीटर में फिल हुआ हुआ रहता है ना, लिक्विड स्टेट में रहता है. दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ मेटल. ये जो है मेटल के एक्सेप्शन हैं. ओके,